हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैनवस। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी सारी ड्रिपिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन डेडिकेटेड है आंचल की स्टाइलिंग को लेके। क्योंकि हमारे यहाँ, हम सब जानते हैं, जितनी तरह की साड़ियाँ हैं उतने तरह के उसके ड्रिपिंग स्टाइल्स भी हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट मुझे लगता है वो है आंचल का स्टाइलिंग, जिसको बहुत तरह से हम स्टाइल करते हैं और थोड़ा सा उसमें चेंज करके पूरा लुक चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए आंचल की स्टाइलिंग पे, जिसमें तरह तरह की स्टाइलिंग को हम कवर कर सकें, किस तरह से आंचल को हम परफेक्टली कैरी कर सकते हैं किस तरह के लुक के लिए, ताकि आप एक ही साड़ी के साथ बहुत सारा लुक क्रिएट कर सकें और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आप हर बार उसको अलग तरह से दिखा सकें। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहनी है एक लाइट वेट सिल्क की साड़ी, और इसको बेहद पॉपुलर और आम जो स्टाइल होता है ओपन पल्लू का, उस तरह से मैंने पहना है। अब इसको मैं कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल्स जो आजकल ट्रेंड में है, उस तरह से इसके पल्लू को अरेंज करके और कई तरह से मैं दिखाऊंगी, जो आप ऑफिस वेयर में भी पहन सकते हैं, ओकेजन वेयर में भी पहन सकते हैं, और काफ़ी ईजी टू कैरी है। तो सबसे पहला स्टाइल है प्लीटेड फ्रंट पल्लू का, जिसको हम बेल्ट के साथ स्टाइल करेंगे। इस तरह से पूरे पल्लू को अरेंज कर लिया है प्लीट्स में, और आगे की तरफ ऐसे ही छोड़ दिया है हैंगिंग में, और फिर एक बेल्ट से इसको डेकोरेट कर लिया है। काफ़ी ईजी टू कैरी है, आप इस तरह से कभी भी पहन के साड़ी और कितनी भी देर तक कैरी कर सकते हैं आराम से। लेकिन इसके लिए बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, कि ब्लाउज ऐसा होना चाहिए जो बहुत डीप नेक ना हो, तो आप कंफर्टेबल लगेगा आपको पहन के। डीप नेक ब्लाउज में थोड़ा सा डिसकंफर्ट हो सकता है इस तरह के स्टाइल में। तो बस नेक्स्ट स्टाइल की तरफ चलते हैं, और ये है लूज बैक पल्लू का। एक तो होता है कि आप बिल्कुल क्रिस्प साड़ी पहनते हैं, पल्लू बिल्कुल क्रिस्प होता है, एकदम पूरा आपका शेप, बॉडी शेप अच्छे से दिखता है। और आजकल जो चल रहा है, खासकर वर्क वेयर में जिस तरह से साड़ी कैरी करते हैं, वो काफ़ी इजी टू वेयर रहता है, और आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्प पल्लू बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इजी टू हैंडल होता है, और थोड़ा भी इधर उधर भी हुआ तो बुरा नहीं दिखता है, उतना ही अच्छा दिखता है। इस तरह से आप बिना बेल्ट के भी पहन सकते हैं पल्लू को स्टाइल करके, और इसके साथ एक बेल्ट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है डबल साइडेड पल्लू, जिसको हम बेल्ट के साथ पहनेंगे। इसके लिए सेम पल्लू को वैसे ही प्लीटेड में हम बैक से शोल्डर से फ्रंट की तरफ ले आएंगे घुमाते हुए, और थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर लेंगे दोनों शोल्डर पे, और फिर पिन लगा लेंगे। एक साइड पे पिन लगाएंगे थोड़ा सा नीचे करके, दूसरी साइड पे भी, दूसरे शोल्डर पे भी पिन से इसको हम सिक्योर कर लेंगे, ताकि अपनी जगह पे बना रहे। इस तरह से पहन के आप ऑफिस भी जा सकते हैं, घर में भी पहन सकते हैं, और ओकेजन वेयर में भी। अगर आपके पास नेट की साड़ी है, कोई लाइट वेटेड साड़ी है, या सिल्क की साड़ी है, हर तरह की साड़ी में ये स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा। आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है दोनों साइड से पल्लू को इस तरह से स्प्रेड करके लेने के लिए। आंचल पे अगर बहुत वर्क है तो आपका वो पूरा वर्क भी दिखेगा, और ओकेजन पे पहन रही हैं तो काफ़ी अच्छा लुक देगा, ये डिफरेंट लुक देगा। इस तरह से इसके साथ एक बेल्ट भी पहन सकते हैं, और इसको बिना बेल्ट के भी रख सकते हैं, बेल्ट के साथ ज़्यादा अच्छा लुक देगा। इस तरह के स्टाइल में आप किसी भी तरह का ब्लाउज पहन सकते हैं, स्लीवलेस ब्लाउज पहन सकते हैं, स्लीव्स वाले पहन सकते हैं, डीप नेक भी पहन सकते हैं, टी बैक वाला ब्लाउज भी पहन सकते हैं, सब अच्छा लगेगा। और अब नेक्स्ट है नेक रैप पल्लू, जिसमें हम पल्लू को नेक के साथ रैप करके पीछे की तरफ छोड़ देते हैं, जैसे दुपट्टे को रखते हैं खासकर। और ये जो स्टाइल है काफ़ी ईजी है, मुझे तो बहुत ही कूल स्टाइल लगता है ये, अगर समर है तो भी काफ़ी अच्छा दिखता है, अगर विंटर है तो आपको एक वार्म फील भी देता है, गले में आप ऐसे रख लें तो स्कार्फ की तरह लगेगा, आपको फील होगा कि आपने स्कार्फ पहना हुआ है, और एक अलग सा स्टाइल भी देता है।
तो इस तरह के लुक में समर में अगर आप बालों को टाई करना चाहें ज़्यादा कंफर्ट के लिए तो इस तरह से टाई कर लें। मैं तो समर में पहनती हूँ, समर हो या विंटर हो, इस तरह से जब भी मैं साड़ी कैरी करती हूँ तो बालों को टाई ज़रूर कर लेती हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अपना फीडबैक और अपना सजेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। उससे मुझे आगे के वीडियोज़ के लिए आइडियाज़ भी मिलते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।